हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड वर्सेस चैप्टर 9 एम्परर अशोका। एम्परर में जो सम्राट अशोका का बारे में दिया हुआ। इफ वी विजिट हिस्टोरिकल प्लेस लाइक एम्प्टी गिनार, माउंट गिरनार, अपर कोट फोर्ट, दामोदर कुंड एटेस्टर, वी गेट टू नो स्टोरीज एसोसिएटेड विथ ईच प्लेस, वेस्टल वर्सल विजिटेड फुट हिल ऑफ गिरनार एंड सा सम इंस्पिरेशन ऑफ अशोका एंड वांटेड टू नो मोर अबाउट हिम। अगर आपने माउंट गिरनार अपरकोट फोर्ट दामदर कुंड ये सब आप घूमने अगर जाओगे, देखोगे वहाँ पर फुट हिल्स ये सब विजिट करोगे तो अशोका वांटेड टू नो मोर अबाउट हिम, बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा जो कि अशोका का इंस्क्रिप्शन का बहुत सारी चीज़ें उसमें देखने मिलेगा। देर आर मैनी सच इंस्क्रिप्शन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का अलग अलग पार्ट में अशोका का द्वारा बना हुआ बहुत सारी इंस्क्रिप्शन देखने मिलेगा। ये इसमें दिया है अशोका द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल मौर्यन रूलर्स। अशोका क्या है, मौर्यन रूलर्स, मौर्य जो रूलर्स हैं उसमें से एक फेमस राजा थे। वाज द फर्स्ट किंग टू यूनिफाई इंडिया। ही इज आल्सो नोन एज अशोका द ग्रेट। उसको अशोक द ग्रेट नाम है उसको जाना जाता है। टू प्रोपोगेट एंड प्रोमोट हिज आइडियाज अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन पिलर कैप्स बोल्डर्स एंड रॉक्स। दीज एडिक्ट्स वेयर वाइडली स्प्रेड थ्रू आउट हिज एम्पायर। ये सब अशोका आइडिया अशोका गॉट वाइडली स्प्रेड थ्रू आउट एम्पायर। उनका जो एम्पायर के जो राज कर रहे थे ये कन्वेड अशोका आइडिया एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर ऑफ पीपल। लोगों का जो बिहेवियर है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो शासन पद्धति है टू वर्ड वन एनादर एंड देर एल्डर्स रिलीजियंस इट इज। द स्टोन पिलर ऑफ अशोका वेयर कर्व्ड आउट ऑफ द सॉलिड रॉक। सॉलिड मतलब पत्थर में कर्व्ड बना गया था। एंड वेयर पॉलिश्ड लाइक मेटल, उसको पॉलिश करके मेटल जैसे बना गया था। द कैपिटल ऑफ द पिलर वाज क्राउन्ड विथ फिगर्स ऑफ बॉल्स बुल्स एंड लायंस। बुल एंड लायन का फिगर वहाँ पे रखा गया था। द मोस्ट फेमस पिलर इज द वन ऑफ द सारनाथ। वहाँ का एक पिलर सारनाथ में भी बना गया था। इट हैज फोर लायंस, वहाँ पे चार लायंस थे और एंड कर्व्ड एट द टॉप। द लायन कैपिटल इज नाउ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया एंड द पिक्चर ऑफ लायंस कैपिटल इज फाउंड ऑन इंडियन करेंसी एंड ऑल द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। कैपिटल जो लायन है द कैपिटल इज नाउ नेशनल, उसको अभी नेशनल एम्बलम हिसाब से हम रखते हैं। इंडिया का नेशनल एम्बलम का वो फोर लायंस जो है। एंड द पिक्चर ऑफ लायन कैपिटल इज फाउंड इंडियन करेंसी, और अपना इंडियन करेंसी में भी उसका पिक्चर है। एंड ऑल द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है सब में वही अशोका जो सिंबल एम्बलम है जो फोर लायंस एम्बलम वो सब में रखा जाता है। अराउंड 325 BC एन एम्बिशियस यंग मैन बाय द नेम ऑफ चंद्रगुप्त ऑडिट द नंदन
द नंदस एंड एस्टिब्लिशड द मौर्यन एम्पायर. ही डिड दिस विथ द हेल्प ऑफ हिज मेंटर. ये तो 325 बीसी में यंग मैन बाय द नेम ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त जो है वो आउट डिड द नंदस एंड एस्टिब्लिशड द मौर्यन एम्पायर. एक मौर्यन एम्पायर. ही डिड दिस विथ द हेल्प ऑफ हिज मेंटर कौतल्य, जिसको चाणक्य बोलते हैं, उनका मेंटर थे चाणक्य. कौतल्य वाज ए मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ धनानंद. राजा धनानंद का कोर्ट का ये मिनिस्टर थे कौतल्य, जिसको चाणक्य नाम सब जानते हैं. द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डिनेस्टी विथ चाणक्य हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द नंदास इन 321 BCE एंड एस्टिब्लिशड द मौर्य एम्पायर. चाणक्य जो है वो मौर्य साम्राज्यर जो लास्ट राजा थे कौन, चंद्रगुप्त. वो जब डिफीटेड हो गए थे, जब पराजित हो गए थे, उन्होंने 326 BCE में एस्टिब्लिश मौर्य एम्पायर, फिर मौर्य एम्पायर को एस्टिब्लिश किए थे. चाणक्य वाज द मास्टरमाइंड एंड द रेस्पॉन्सिबल फॉर चंद्रगुप्त एसोसिएशन टू पावर. चंद्रगुप्त जो एसोसिएशन का पावर था उसका वो सबसे मास्टरमाइंड थे, रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर थे. ही इज रजिस्टर्ड द ग्रेटेस्ट कैपिटल थिंकर एंड एन एक्सपर्ट इकोनॉमिकिस्ट. उन्होंने एक ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कैपिटल बनाने का सोच रखे थे और एक्सपर्ट इकोनॉमिक में भी उनकी सोच था. हिज कैपिटल आइडिया एक आर कंप्लीट इन द अस्त्र शस्त्र, वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट ट्रेटीज ऑन पॉलिटिकल थॉट एंड सोशल ऑर्डर. और उन्होंने एक एक्सपर्ट थे और अस्त्र शास्त्र का एक बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट थे और वो सबसे पुराना जमाना का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सोच रखने वाला एक सोशल ऑर्डर भी थे. ओके. बिंदुसार चंद्रगुप्त सन सक्सेसेड हिम टू द थ्रोन एंड एबल सन ऑफ द एबल फादर. ही इज सेड टू हैव कंक्वर्ड 16 सिटीज स्टेट्स एंड एक्सटेंड द मौर्यन एम्पायर ग्रेटली एंड एप्टी. बिंदुसार थे चंद्रगुप्त का सन, इज सक्सेड ऑफ थ्रोन, सन ऑफ एबल फादर. फादर जैसे बहुत सक्सेसफुल राजा थे, उन्होंने 16 स्टेट्स बनाए थे. अशोक द सन ऑफ बिंदुसार, बिंदुसार का सन अशोक. वो एक्सटेंडेड द थ्रोन अप्रोक्सीमेटली इन 2070 BCE में. उन्होंने क्या कहते हैं, हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कंधार एंड पेशवर टू नेपाल, इन नॉर्थ इंडिया टू मिसोर, इन साउथ टू वेस्ट गुजरात, सौराष्ट्र एंड मगध, कलिंग इन द ईस्ट. ये चारों तरफ से इंडिया का चारों दिशा में पूरा इस स्टेट को उन्होंने जीते थे, फाइट करते, उनका साम्राज्य बड़ा था. ओके. हेलो स्टूडेंट्स, रीड प्रॉपरली एंड आई विल बी मीट यू नेक्स्ट वीडियो.